एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सी हल्क सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 की कहानी को। दोस्तों यह फाइनल एपिसोड है और हमने सभी एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है और प्लेलिस्ट भी बनाई है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। शुरुआत में जेनिफर को उसी जेल में रखा जाता है जहाँ पर एमिल ब्लोंस्की को रखा गया था। वहीं पर पग निकी और मिस बुक आती हैं। मिस बुक बोलती है कि तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम हल्क हो और तुमने जो किया है उस बात की गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। साथ ही मिस बुक बोलती है कि अगर तुम कुछ शर्त मान लेती हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और शर्त यह होती है कि जेनिफर कभी भी फ्यूचर में सी हल्क नहीं बनेगी। जेनिफर इस शर्त को मान जाती है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से लेने के लिए उसकी मम्मी पापा आए होते हैं। जेनिफर को भी GLNKH ऑफिस से निकाल दिया गया है। फिर हर जगह न्यूज में जेनिफर के ही चर्चे हैं जो ये बताते हैं कि जेनिफर पर अब सी हल्क बनने की पाबंदी है। मीडिया वाले भी हर वक्त उसका पीछा करते हैं। जेनिफर जिस घर में रहती है उस घर को बेचकर वह अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी है। रात को निक्की और जेनिफर एक साथ होते हैं। ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इंटेलिजेंसिया का एडमिन कौन है, लेकिन निक्की बताती है कि एडमिन का पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपनी साइट पर हाई सिक्योरिटी लगाई हुई है। और न्यूज में एक डेनिस नाम का बंदा भी जेनिफर को साइको बता रहा है। जेनिफर इन चीजों से तंग आ चुकी है, वह ब्रूस से बात करना चाहती है लेकिन ब्रूस के पास मैसेज डिलीवर नहीं होता। फिर वह एमिल ब्लोंस्की से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास भी मैसेज डिलीवर नहीं होता। फिर वह एमिल ब्लोंस्की के पास चली जाती है। वहीं निक्की भी अपने ऑफिस में होती है। वह जेनिफर की एक पुरानी वीडियो जो कॉलेज टाइम की थी वो इंटेलिजेंसिया की साइट पर अपलोड करती है, और उसी वक्त हल्क किंग का भी रिप्लाई आ जाता है जो बताता है कि एक प्राइवेट मीटिंग रखी गई है, तुम इसमें आ सकती हो। और इस काम में वह पग की मदद लेती है। पग और निक्की भी उसी लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। पग अंदर जाने से डर रहा है लेकिन निक्की किसी तरह से उसे भेज देती है। अंदर जाकर कुछ लोग सी हल्क की बुराई करते हैं। निक्की पग से बोलती है कि तुम भी सी हल्क की बुराई करो, तब वह सी हल्क की बुराई करता है और बताता है कि वह नेपोटिज्म की वजह से सी हल्क बनी है। यहीं पर टोड भी होता है। तब पग टोड से पूछता है कि आखिर इंटेलिजेंसिया साइट किसने बनाई है। तब टोड बताता है कि इंटेलिजेंस साइट का क्रिएटर मैं ही हूँ और मैं ही हल्क किंग हूँ। टोड सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सी हल्क के बारे में भला बुरा बोलता है। उधर जेनिफर भी एमिल ब्लोंस्की के कॉटेज तक पहुंच जाती है लेकिन वहां पर एमिल ब्लोंस्की नहीं होता। वहीं पर एक लड़का होता है, वह बताता है कि एमिल ब्लोंस्की नीचे प्राइवेट मीटिंग कर रहा है। और टोड भी अपनी मीटिंग में एबोमिनेशन को इनवाइट करता है। तब वहीं पर एबोमिनेशन आता है। तब तक जेनिफर भी वहीं पर आ जाती है। जेनिफर एमिल ब्लोंस्की से बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें एबोमिनेशन में बदलने के लिए मना किया गया था। वहीं निक्की भी आ जाती है। पग और निक्की बताते हैं कि इंटेलिजेंसिया साइट का मालिक हल्क किंग टोड ही है। और टोड भी खुलासे करता है कि तुम जिससे प्यार करती थी जोश नाम के बंदे से और उसके साथ तुम इंटीमेट हुई थी, वह मेरा ही आदमी था, मैंने उसे तुम्हारा खून लाने के लिए भेजा था। फिर वह जेनिफर के खून को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। वह भी हल्क की तरह बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वहीं पर टाइटेनिया भी आ जाती है और जेनिफर कैमरे की तरफ देखकर बोल रही है कि अगर कोई और सुपर हीरो बचा है तो वो भी आ जाए। लेकिन तभी वहीं पर स्मार्ट हल्क भी आ जाता है। स्मार्ट हल्क और एबोमिनेशन आपस में लड़ाई करते हैं। फिर एकदम से हमारे सामने डिज्नी का मेन मेन्यू खुल जाता है। जेनिफर अपने कैरेक्टर से बाहर आकर मार्वल स्टूडियो के सेट पर चली जाती है और सी हल्क सीधा वहां चली जाती है जहां पर सी हल्क के क्रिएटर होते हैं। और सी हल्क उन लोगों को बोलती है कि आखिर तुम लोगों ने क्या कर दिया, और वह उन लोगों से साथ ही पूछती है कि आखिर इस घटिया फिनाले की स्टोरी किसने लिखी है। तभी बताते हैं कि यह सब केविन ने किया है। सी हल्क केविन से मिलना चाहती है। तब वो केविन से मिलने के लिए आगे बढ़ती है और एक कागजात पर साइन करती है। बाद में कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर सी हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सी हल्क उन्हें भी मार फेंकती है। तब सी हल्क सीधा केविन के पास जाती है और उसे पता चलता है कि केविन कोई इंसान नहीं है, वह बस जायंट AI रोबोट है। केविन भी सी हल्क से बोलता है कि तुम अपने असली रूप में आओ, तब वह जेनिफर बनती है। तब जेनिफर केविन से बोलती है कि मार्वल की सारी मूवीज और स्टोरी एक ही जगह पर जाकर खत्म होती हैं और ऑडियंस इन चीजों से पक चुकी है। तब केविन पूछता है कि बताओ तुम कैसा डेटा चाहती हो और तुम्हें अपने शो में किस तरह की स्टोरी पसंद है। तब जेनिफर बोलती है कि क्या तुम टोड को मेरी शक्तियां लेने से रोक नहीं सकते। तब केविन टोड को नॉर्मल इंसान में रखता है। फिर जेनिफर आगे बढ़ती है और बोलती है कि क्या यहाँ पर स्मार्ट हल्क का आना जरूरी था। तब केविन स्मार्ट हल्क को भी हटा देता है। फिर जेनिफर अबोमिनेशन के बारे में बात करती है और बोलती है कि अगर वो माफी मांग ले तो अच्छा होगा। केविन इस बात पर भी राजी हो जाता है और साथ ही आखिर में एक और बात बोलती है कि रात के सीन बहुत हो गए हैं, अब हम अपनी शूटिंग दिन के टाइम में करेंगे। केविन इस पर भी मान जाता है। साथ ही बोलती है कि डे डेविल को स्टोरी में रखना जरूरी है। जेनिफर केविन से एक्समैन के बारे में पूछती है कि आखिर वो कब आने वाले हैं, लेकिन केविन नहीं बताता। केविन जेनिफर को बोलता है कि आज से तुम यहाँ नहीं आ सकती, अब तुम बड़े पर्दे पर दिखने वाली हो। तब सी हल्क वापस अपने शो में आती है, टोड के पास जाती है और वह जेनिफर बनती है और उसे बोलती है कि अब हम कोर्ट में मिलने वाले हैं। वहीं पर टाइटेनिया होती है जो सी हल्क की वीडियो बना रही है, लेकिन वहीं पर डेयर डेविल भी आ जाता है।
और जेनिफर डेयरडेविल से बोलती है कि क्लाइमेक्स खत्म हो चुका है, विलन पकड़ा जा चुका है। उधर एमिल ब्लोंस्की भी माफी मांगता है, साथ ही जेनिफर उसे बोलती है कि अगर अब की बार तुमने लो तोड़े तो तुम्हें 10 ईयर की सजा हो सकती है। अगले सीन में जेनिफर के घर पर सभी होते हैं और वहीनी के बीच में मैथ्यू मैडोक होता है। जेनिफर के एंटी मैथ्यू मैडोक से पूछती है कि आखिर तुम कमाते कितना हो, तो मैडोक बताता है कि वह ज्यादा नहीं कमाता। जेनिफर का पिता भी बोलता है कि एलए में कम खर्चों में जिंदगी नहीं चलेगी और जब बच्चे साथ हों तब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वही इन लोगों के बीच में ब्रूस बैनर भी आ जाता है और ब्रूस सभी को अपने बेटे स्कार से मिलवाता है। सी हल्क को भी एक नई नौकरी मिल जाती है। कोर्ट में जाते वक्त मीडिया वाले सी हल्क से पूछते हैं कि आपने इंटेलिजेंसिया साइट पर केस ठोका है, आप उन लोगों से किस तरह निपटेंगी। तब सी हल्क बताती है कि वह दोनों तरीके से निपटेगी, सी हल्क बनकर और जेनिफर बनकर। और आखिरी छोटे से सीन में एमिल ब्लोंस्की जेल में होता है, उसके पास वोंग आता है कामाताज ले जाने के लिए और एमिल ब्लोंस्की उसके साथ कामाताज चला जाता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन एपिसोड में से आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था। जब इसका सीजन 2 आएगा तब हम उसको भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।